और अब परेड कमांडर सीआई कानून व्यवस्था और पुलिस को हर कीमत पर बनाए रखने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सफलता से पूरा करती है आरएसी। नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर अजीत सिंह। और तीसरा दल तिरंगे को सलामी देता हुआ ये है राजस्थान पुलिस का दल। अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास के मूल मंत्र के साथ कानून के सजग प्रहरी युद्ध और शांति काल में आंतरिक सुरक्षा और राज्य की कानून व्यवस्था का जिम्मा इसी सशस्त्र बल के कंधों पर है। शानदार और गौरवशाली इतिहास रखने वाली राजस्थान पुलिस के दल का प्रतिनिधित्व करता हजारों जवानों का जनपद राज्य को गर्व है। नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर सुमन परिहार। और अगला दल भी है राजस्थान पुलिस का, ये है महिला कांस्टेबल की प्लाटून। हर कदम में पुरुषों के साथ कदम ताल मिलाती हुई नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर पिंकी गंगवाल। और देवी सजना तालियां बजती रहनी चाहिए। ये अगला दल है राजस्थान अर्बन होमगार्ड्स का। शहरी क्षेत्र में पुलिस को अतिरिक्त सहयोग प्रदान करने वाला है ये दल। नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर भगवती लाल। और अगला दल है एनसीसी का, एनसीसी यानी नेशनल कैडेट को। हर देश काल परिस्थिति में मुस्तैद रहने वाले युवाओं को तैयार करने वाली ये संस्था। ये है सेवंथ राज बटालियन की एनसीसी प्लाटून। नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर मेहोदी। अगला दल भी है सेवंथ राज बटालियन एनसीसी का, ये गर्ल्स कैंट जेंट्स। इस गर्ल्स प्लाटून का नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर मल्लिका शर्मा। तालियां बस दे रहे हैं आपकी। अगला दल भी है एनसीसी की गर्ल्स कंटिजेंट्स का, ये है महारानी स्वदेशना कन्या महाविद्यालय की टिप्पणी। नेतृत्व कर रही है अंडर ऑफिसर आयुषी सहल। आज महिला सशक्तिकरण का दौर है, महिलाओं को आत्मरक्षा की तकनीक सिखाकर सक्षम बनाया जाता है। और ये है एनएसपीसी यानी स्टूडेंट पुलिस कैडेट। नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर सुखदा हबीला। और अगला दल है बालिकाओं में सेवा भावना संदेश देने वाले गाइड का। अपनी नीली पोशाक में दूर से ही पहचाने जाने वाली गाइड नाइटिंगेल जैसी सेवा भावना को बालिकाओं में साबित करने का ये एक आंदोलन है। गाइड की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है गाइड कैंडिडेट किरण सोनी। इसके बाद एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे पुलिस के जवानों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और
दूर तक चलित करें। 30 सेकंड तक जहाँ की सलामी बच्चे सामने रुके, उसके बाद आगे निकले। कहते हैं गीता उद्योग लोग संभाग कार्यालय जिला उद्योग केंद्र बीकानेर की जहाँ की परंपरागत चरखे पर कातिनों द्वारा कताई का प्रदर्शन, इनके साथ ही खादी ग्रामोद्योग की राजेश के, आप सभी जानते हैं बापू ने कहा था कि जब हम खादी पहनते हैं तो करोड़ों और अब तो खादी भी आई पास लाइट का 4 करोड़ की लागत से निर्माण करवाया जा रहा है। वही पार्कों के छोटाई करना आपकी होनी चाहिए। और उनके बाद अब आ रही है कृषि विभाग की झांकी, जो प्रचुर मात्रा में हमारे पश्चिम देगी साथ में उपलब्ध है, उसका अधिकाधिक प्रयोग हो सके संभव हो सके। बूंद बूंद फव्वारा पद्धति से अधिक फसल कैसे प्राप्त की जाए, और जो खजूर नरेगा योजना से पहले और नरेगा योजना के बाद एक परिवार की आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, उसी को परिलक्षित करती हुई ये झांकी, किस प्रकार महिलाओं का बचाव होता है उसका उल्लेख भी इससे किया गया है। इनसे भी काफी उम्मीदें हैं और ये छात्र जो हमारे देश का भविष्य भी आगे बढ़ने में रूप से रही है। प्रेम और सद्भाव का संदेश हिंदू मुस्लिम इसके बाद समग्र शिक्षा अभियान देगा है। व्यावसायिक शिक्षा जो की सबसे जरूरी है, इसके बाद समग्र शिक्षा अभियान द्वारा प्रस्तुत की राज्य में संचालित व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों को दर्शा रही है। राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक रहा है समग्र शिक्षा योजना के तहत बालिकाओं को भी आप देख सकते हैं बेहतरीन कौशल के साथ में जब भी अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देंगे, नया सिखर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समग्र शिक्षा अभियान की ये झांकी।